शादी का सीजन है, शॉपिंग भी करनी है और कोरोना का भी डर है। ऐसे में आपको घबराने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है, बिग ब्लिस है आपके साथ। अभी डाउनलोड करें बिग ब्लिस ऐप और सिर्फ 10 मिनट में पाए अपना सारा सामान। बिग ब्लिस, खुशियों की अपनी दुकान। पहले तुर्की और फिर मिश्र। एक तरफ तो कई देश भारतीय गेहूं को लेने से मना कर रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ भारत सरकार ने भी कई लाख टन गेहूं के निर्यात ऑर्डर को रोक दिया है। सरकार ने एक्सपोर्ट के लिए भेजी गई सभी एप्लीकेशंस को खारिज कर दिया है। वाणिज्य मंत्रालय के तहत काम करने वाले विदेश व्यापार महानिदेशालय यानी कि DGFT ने 15 लाख टन गेहूं के एक्सपोर्ट के लिए आए आवेदन खारिज कर दिए हैं। वहीं बता दें, सरकार ने गेहूं के एक्सपोर्ट के लिए लेटर ऑफ एप्लीकेशन क्रेडिट यानी कि LC जारी करने की प्रोसेस को थोड़ा कड़ा कर दिया है। इसके लिए कई चरण की स्क्रूटनी प्रोसेस लागू की गई है ताकि केवल उन्हीं निर्यात ऑर्डर के लिए LC जारी हो जो सरकार के मई महीने में गेहूं निर्यात पर लगाए गए बैन के नियमों के अनुकूल हो। वहीं बता दें, खबर के मुताबिक सरकार ऑर्डर की स्क्रूटनी करने वाली 2 सदस्यीय आंतरिक कमेटी की मदद के लिए एक एक्सपर्ट को नियुक्त करने की प्रक्रिया में है। ये बाहरी एक्सपर्ट एक एक्स बैंकर होगा जिसके पास LC के लिए काम करने का अनुभव होगा। इससे प्रक्रिया को कड़ा बनाने में मदद मिलेगी। अभी तक देश से 14 लाख टन गेहूं निर्यात के ऑर्डर पास हुए हैं, जबकि खारिज किए गए ऑर्डर इससे कहीं ज़्यादा मात्रा में है। इतना ही नहीं, अभी भी कई ऑर्डर एप्लीकेशन स्क्रूटनी की प्रोसेस में है। वहीं वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा था कि जो लोग पुरानी डेट के एप्लीकेशन या फर्जी दस्तावेज दिखाकर निर्यात करने की कोशिश करेंगे उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। सरकार के गेहूं एक्सपोर्ट को लेकर कड़ाई के बीच कई देशों ने भारत का गेहूं लेने से मना कर दिया है। पहले तुर्की ने भारतीय गेहूं में रूबेला वायरस की शिकायत होने की वजह से भारतीय गेहूं को लेने से मना कर दिया। हालांकि ये गेहूं पहले भारत से नीदरलैंड भेजा गया था और वहां से तुर्की। बाद में कई करीब 55,000 टन इस गेहूं को मिश्र ने लेने की बात कही, लेकिन अंत में उसने भी इसे लेने से मना कर दिया। सरकार ने फिलहाल देश से गेहूं के निर्यात पर रोक लगा रखी है। इस बैन की वजह से घरेलू ज़रूरतों को पूरा करना, बढ़ती महंगाई को कंट्रोल करना और पड़ोसी एवं ज़रूरतमंद देशों की मदद करना है। वहीं अब सरकार की ओर से केवल उन्हीं एक्सपोर्ट ऑर्डर को पूरा करने की अनुमति है जिनके लिए 13 मई से पहले लेटर ऑफ क्रेडिट जारी हो चुके हैं। बाकी अन्य पड़ोसी और ज़रूरतमंद देशों को गेहूं का एक्सपोर्ट सरकारों के बीच डील से होगा। हाल ही में बता दें कि एक इंटरव्यू में पीयूष गोयल ने साफ कर दिया था कि सरकार की इस बैन खत्म करने की तत्काल कोई मंशा अभी नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट, मार्केट टाइम्स TV। फ्रेश दूध और सब्जी के लिए अब घंटों इंतजार नहीं, बिग ब्लिस पर ऑर्डर करें और 10 मिनट में पाएं अपने घर फ्रेश दूध और सब्जी। तुरंत डाउनलोड करें बिग ब्लिस ऐप, खुशियों की अपनी दुकान।